हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और मैं लगातार आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस की वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अधिकतम संख्या में जो है हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं और वो अपना लगातार एक्सपीरियंस का वीडियो हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। ये आपके जो साथी, इन्होंने 11 अगस्त का इनका ट्रेड टेस्ट था और इनका जो है अनुभव बहुत ही कुछ अजीब है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको प्रत्येक स्टूडेंट का जो है ट्रेड टेस्ट का एक्सपीरियंस सुनना है जब तक कि आपका ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ। और यदि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप लोगों को चैनल पर बने नहीं रहें, क्योंकि आप लोगों को जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती हो, फ्यूचर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सारे के सारे जो है अपडेट आप लोगों को यहीं पर मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेन चैनल के नीचे आप लोगों के लिए आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से एक और चैनल क्रिएट कर दिया गया है, जहां पर केवल आरपीएफ टेस्ट वाले ही बच्चे हैं। तो आप लोगों को उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना है। 1 सितंबर से आप लोगों को वहीं पर जो है जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे पास बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों के, तो मैं उन सभी को सूचित करना चाहूंगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों के अभी ट्रेड टेस्ट नहीं चल रहे हैं। साथ ही साथ सफाई वाले परेशान ना हो, जिस दिन से उनका जो है शुरू होगा मैं पहले दिन ही उनको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता होने की कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जो है वीडियो को, हर एक वीडियो को देखते रहना है कि जिससे आप लोगों का एक एक बंदे का एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल सके। ओके, इन भाई का एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल सुनना है। इन्होंने एक दो बातें कही हैं जिसको मैं लिख दिया है थंबनेल पर, रोटी फूली तो समझो सिलेक्शन पक्का, बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने कहा है और इनके मुंह जमाने भी आप सुन सकते हो। साथ ही डॉक्यूमेंट्स यदि अपन कोई भूल जाते हैं तो उसके बारे में भी इन्होंने पूरा पूरा डिटेल दिया है। इनका कुछ अपना अंदाज अलग है, इनको आपको सुनना जरूर है। और आपको नीचे जो आरपीएफ ट्रेड टेस्ट है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आगे से नोटिफिकेशन जो भी होगा आप लोगों को उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। तो इन भाई को पूरा ध्यान से सुनिएगा। दिखता आ रहा था। हाँ सर, इसलिए आपको कॉल किया। मेरा तो नहीं हुआ सिलेक्शन। हाँ सर, पर मेरे भाइयों का होगा तो अच्छा लगेगा मेरे को। बिल्कुल सर, तो आप सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिससे आपके भाई लोगों को सहायता मिलेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद किया आपने। मैं महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता हूँ। यस सर, आप प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो सर? हाँ, तो सबसे पहले हमें मतलब वहाँ पे लेके गए, नासिक पे था मेरा टेस्ट का। यस सर, तो नासिक पे गया मैं, तो सुबह सर 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 हाँ बोलो बोलो सर, एक बार पहले आप अपना नाम और किस दिनांक में आपका था और आप कहाँ पर देने गए थे ये थोड़ा बता दीजिए, जिससे क्या बच्चों को बिलीव हो जाता है। सर सर, मेरा नाम राहुल इंगड़े है। यस सर, तो मेरा ट्रेड टेस्ट नासिक में था, नासिक रोड। दिनांक सर? दिनांक आज का 12 तारीख का। यस सर। हाँ सर, आप बोलिए। तो अभी मैं स्टेशन पे हूँ, मतलब ट्रेड टेस्ट दे के आया हूँ। यस सर। तो सर वहाँ पे सबसे पहले 5:30 बजे अपन को मतलब बैठा के रखते है। यस सर। फिर 1-1.5 घंटा मतलब 7 बजे तक बिठा के ही रखते हैं। अच्छा सर, सुबह सुबह अंदर अंदर ले लिया, उसके बाद 7 बजे तक बिठा के ही रखते हैं? हाँ, बाहर बिठा के रखते हैं, वहाँ पे मतलब ऐसी बैठने की व्यवस्था है करी हुई उन्होंने। यस सर। फिर अंदर लेते लाइन से मतलब 15-15 जन 15-15 लोगों का सर, कोई कोई बोल रहा है सर 10 लोगों का बना रहा है, कोई बोल रहा है सर 14 लोगों का। सर आज हमारा मतलब लास्ट में था, हम वो अपने वो फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम था सर हमारा। yes. मतलब मिसमैच थे हमारे फिंगरप्रिंट। यस सर। हाँ, तो 14 जन के फिंगरप्रिंट मिसमैच थे, तो उन्होंने एक फॉर्म भरवा लिया हमसे। यस सर। तो फिर अंदर लिया, फिर हमारा जो जिसका भी फिजिकल में मिसमैच हुआ ना फिंगरप्रिंट। हाँ सर। तो उसको लास्ट में लेते, वो एकदम लास्ट में सबका होने के बाद। अच्छा सर, तो ये भी है सर, आपने धन्यवाद सर, आपने क्या एक नई जानकारी दी है कि यदि फिंगरप्रिंट मैच ना हो तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है सर। नहीं नहीं कुछ भी नहीं सर, होता हो लेकिन लास्ट में होता है एकदम सब बच्चे का होने के बाद। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर बोलिए आगे। कैसे सर, मैं महाराष्ट्र को, तो मेरे को हिंदी आती नहीं बराबर। हाँ सर, थोड़ा फिर भी कोशिश कर रहे हो। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे बैठा के रखा, मतलब सबका 1:30 बजे तक सबका हो गया था सर। यस सर। फिर हमको, हम 14 जन थे, 15 जन सॉरी। यस सर। तो फिर 15 जन को बुलाओ, एक फॉर्म लिख लिया। yes, और जो अपन एग्जाम देते होगा तो इंट्रोडक्शन लिखते नहीं क्या, इंट्रोडक्शन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, वो फॉर्म पे लिखवा दिया उन्होंने। हाँ सर। फिर अंदर लेके गए। हाँ सर। सर मिनिमम हम 500 जन थे, 500 जन से सिर्फ 5 जन को उन्होंने आटा, मतलब आटा बनवाया होगा आटा। 500 में से सिर्फ 5 लोगों से आटा बनवाया और 5 जन को सब्जी काटनी पड़ी होगी। यस सर। हाँ, फिर बाकी को सबको रोटी बनानी पड़ी। तो मीन्स ये सर आटा गूंदने वाला सिस्टम जो शुरुआत में जिन लोगों का होगा उन्हीं लोगों से करवाया होगा सर? हाँ, बस सबका आटा उन्हीं से करवाया। हाँ सर।
फिर सबको रोटी बनवानी पड़ी समझो पूरे 480 मतलब जो 450 लोगों से, यस सर, उनसे पूरा मतलब सिर्फ रोटी बनवाए। तो मीन्स सिर्फ वो रोटी ऐसे देखते सर कि सिर्फ रोटी फूलने को होनी, वो मतलब ऐसे गोल भी नहीं होने, वो भी चलता, उनको सिर्फ रोटी पूरी तरह से फूलने को होनी बस। वहाँ पे मतलब ऐसे 15 टेबल रखे होते सर अंदर, एक एक सबको स्टो दिया होता है सर, उसपे एक जाली देते हो रोटी फुलाने को, यस सर, एक तवा रहता, यस अपन का अंडा ऑमलेट का नहीं रहता क्या सर वो तवा, यस सर, सेम वैसा ही तवा रहता पकड़ने वाला, यस सर, हाँ। तो फिर वो रोटी अपन मतलब रोटी मैंने करी उसपे, फिर वो जाली पे डाली ना सर, तो मैंने वो जाली ऊपर नहीं उठाई इसलिए वो जल गई, नहीं तो मेरी रोटी फूल गई थी एक साइड से। मीन सर क्या है कि उस पर जाली पर डाले, डालते ही जल गई वो? हाँ मतलब एक साइड से फूल गई थी, दूसरे साइड से मैंने जाली पे डाली तो जाली ऊपर उठाने को ना, हाँ मैंने ऊपर नहीं उठाई सर वो जाली, मैंने नीचे ही रखी और उसपे रोटी डाल दी इसलिए वो नीचे से सिर्फ थोड़ी सी जल गई। तो आप सिर्फ 15 जन में से वो 2 नहीं तो 3 जन ले रहे सिर्फ, जिसकी भी रोटी फूलेगी उसका नंबर पक्का, जिसका रोटी फूला उसका पक्का पक्का, वो रोटी गोल भी नहीं हुई थोड़ी मतलब थोड़ी ऐसे वैसे भी रही तो चलेगा ऐसा सर? हाँ उसके रोटी गोल भी नहीं हुई तो फिर फिर सिर्फ वो फूलने को होना बस रोटी। अच्छा सर। हाँ सर घबराहट होती है अंदर बस, मेरे भाइयों को इतने कहना चाहता हूँ कि घबराना मत एकदम, वो आरपीएफ वाले भी अपन को सपोर्ट करते अच्छे से, सब सपोर्ट करते, घबराना मत, सिर्फ अंदर जाते ही अच्छे से अपना अपना 5-4 मिनट देते सर वो अपन को, यस सर, हाँ फिर जो हो गया तो उनका मतलब नाम लेते बाहर बुलाते सबको, यस सर, फिर जो सिलेक्शन हो गया उनका नंबर लेते हो, हाँ सर, और उनका अंदर भेज देते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जिनका नहीं हुआ उनको भेज देते बाहर, यस सर। सर वहाँ का सर कुछ वीडियो फुटेज है सर आपके पास जो आप ऐड करना चाहो तो? हाँ सर एक वीडियो है मेरे पास लेकिन वो इतना क्लियर नहीं, हम बैठे थे नीचे Yes. सामने वो आए और कुछ बोले, वो आवाज भी नहीं, पर वीडियो है मेरे पास सर, आप उसको मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए जैसे भाई लोगों को थोड़ा और वहाँ का कुछ व्यू देखने को मिल जाए सर। यही नंबर है क्या सर आपका? यस सर व्हाट्सएप नंबर यही है सर। ठीक है भेज दूंगा। साथ ही साथ सर मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूँ जिससे हम, क्योंकि सर मैं क्या है सर आपका जैसे किसी का भी टेस्ट होता है सर, यदि उसको कोई भी परेशानी होती है तो सर वो अपना जो है अपना परेशानी मुझे व्हाट्सएप पर भेज देता है, तो मैं उसका क्या परेशानी लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे से कोई भी मुझे जैसे आज आपका टेस्ट टेस्ट है अब आपसे मैं वो क्वेश्चन क्लियर कर सकता हूँ इसी प्रकार, क्योंकि सर किसी भी भाई को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ बराबर सर। एक भाई का ये क्वेश्चन था सर कि क्या कहते हैं सर आज जो रोटी होती है उसको तवे पे फुला सकते हैं क्या सर, कि सर जाली पर ही फुला? सर तवे पे फुलती नहीं रोटी सर, कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट होते हैं तवे पर ही फुला लेते हैं। एक्सपर्ट फुलाते हो गए लेकिन एक्सपर्ट 50 में से 2-3 नहीं निकलते सर, मैंने देखा आज मतलब हमारे 15 जन में से एक ने भी मतलब सबने जाली यूज की ऐसा सर? नहीं सर कुछ लोग होते हैं मैंने देखा है सर वो तवे पर ही फुला देते हैं। हाँ तवे पे भी फुलाते लेकिन हमारे जो 15 जन थे उसमें से एक ने भी मतलब तवे पे नहीं फुले ऐसा सर? हाँ सबने जाली उसकी। और सर ये बताइएगा सर वो जो तवा था वो सर काय का, लोहे का था एल्यूमिनियम का क्या था? सर वो एल्यूमिनियम का ही होगा, अपन वो जो ऑमलेट खाते कि नहीं वो फिराते देखो उसको डंडा रहता सर। हाँ बिल्कुल सेम वैसा ही, सेम वैसा ही जाली भी वैसी सेम मतलब जाली उसको भी डंडा रहता सर। सबसे पहले ट्रिप इतना करना है भाइयों को, ट्रिप एक तरफ से रोटी को सेकना है, हाँ। दूसरी तरफ से रोटी को सिर्फ 30-15 सेकंड सेकना है, हाँ। फिर सर तवा रहता कि ना अपना, हाँ सर, वो निकाल देना है नीचे, तवा नीचे निकाल देना है, हाँ। फिर अपना ये जाली रहती कि नहीं, हाँ सर, जाली को लेनी है, जाली को गैस के ऊपर रखना है, हाँ, जाली मतलब अलग अलग रखी रहती है सब सिस्टम? नहीं सर दो दो के मतलब दो दो ही रहते, एक एक ऐसा पूरा हॉल है, हॉल में दो दो टेबल रखे हुए, दोनों टेबल मतलब दो टेबल पे मतलब दो गैस, दो जाली, दो अपने तवे, दो बेलन, दो रोटी बनाने के सब मतलब दो दो रखे हुए दो दो जन को, ऐसा सर, मतलब दो जन एक ही तरफ मुंह कर सकते हैं, उसके पीछे दो जन, उसके इधर से मतलब दक्षिण दिशा में दो जन, उत्तर दिशा में दो जन, पूर्व दिशा में दो जन। अच्छा सर वो 4 लोगों का काउंटर टाइप का बना दिए सर? हाँ हाँ बरोबर।
सर और क्या कहते हैं सर, एक और क्वेश्चन था सर मेरे पास, बेलना था सर, आपको खड़े होके बेलना है या बैठ के भी बेल सकते हैं? नहीं, वो ऑप्शन देते सर, वो बोलते आपको खड़े होके बेलना है तो बेलो, नहीं तो नीचे बैठ के बेलना है तो बेलो। ऐसा सर? हाँ कोई भी सर, ऐसा कोई भी लड़का नहीं कि उसने पूरे 4 मिनट लगा दिए। मैं तो ये बोलूंगा अपने लड़कों से कि 4 मिनट लगाओ पर अच्छे से रोटी को। एक ही रोटी तो बनानी है और सर वो एकदम, हाँ सर एक बात एक, बताइए सर, मैं भी अपना थोड़ा एक व्यू रखना चाहता हूँ सभी बच्चों के सामने सर, कि यदि वो हाँ 4 मिनट दे रहे हैं, उन्होंने कह दिया टाइम अप, यदि गैस पर रोटी टली है तो ऐसा तो है नहीं, अभी उसको एक दो उठाए फेंक देंगे सर? नहीं, वैसा नहीं है। वो रोटी अगर टाइम भी हो गया तो रोटी अपन को थाली में रखनी है और ऐसे अपने अपने जगह में खड़ा रखना है। बस 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 फिर बस वही तो मैं कह रहा हूँ सर। वो इंस्ट्रक्टर आते सर एक एक के पास, जिनके जो जिनकी रोटी अच्छी लगी उनको, उन लोगों के वो जो ऊपर के साहब रहते उनके पास बुलाते। अच्छा, ऊपर एक और ऑफिसर बैठते हैं? हाँ 3 ऑफिसर बैठते सर ऊपर, और हाँ एक कॉन्स्टेबल रहता, वो सिर्फ चेक करता किसके अच्छे उनको, उसको अगर 2-3 जनों के अच्छे लगी तो उसका नंबर लेता, मतलब वो नंबर, और उसको साहब के सामने खड़ा करता, फिर साहब डिसीजन लेते क्या लेना है क्या। अच्छा सर, उसके बाद जैसे कि सभी लोगों का हो गया सर, आल की आल आज आल की आल बता रहे थे आंसर की, मतलब सभी को इकट्ठा करने के बाद हर बार की तरह? नहीं सभी, मतलब सर वो कैसा रहता है, 3 बैच लेते हो, हाँ सर, मतलब 500 जने की नहीं, 150-150 जन को, एक मतलब जैसे भी 150 जन हो गए हाँ उनको बता देते कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि या नहीं हुआ, उनको भेज देते घर, जिनका हुआ उनको डॉक्यूमेंट के लिए भेज देते। हाँ ये बस सही है सर, क्योंकि सर शुरुआत में जो बच्चों का हो रहा था उनका ये हो रहा था, पहले 500 का पूरा हो जाएगा उसके बाद आंसर बोला जा रहा था नहीं, सर। आज ऐसा नहीं हुआ सर, मेरे सामने हाँ पहले सर, 150, हम लास्ट में 100 जन थे सिर्फ, हाँ सर, अभी लास्ट हमारी बैच थी, हाँ सर, तो जिनका मतलब 3 जन का सिलेक्शन हुआ 100 जन में से सिर्फ, हाँ तो 3 जन को अंदर बुलाया, बाकी के सबको भेज दिया वहां। सर, रेशियो बहुत खतरनाक जा रहा है सर, 100 में से 3 लोगों को बुलाया सर। हाँ सर वो ऐसा हो रहा है कि उनको थोड़ी भी मतलब ऐसे टेढ़ी ताड़ी होनी, लेकिन फुली हुई नहीं, पूरी चारों तरफ से पूरे जो राउंड में रहती कि ना उसको पूरा फुला हुआ ना सर रोड। ऐसा सर, हाँ सिर्फ वो जो गोल, तुम्हारे कितनी गोल गोल हुई ना रोटी, वो चलता नहीं उनको, सिर्फ फुली हुई नहीं, फुली हुई होती, मतलब ऐसा वो जो ऊपर का रहता कि ना वो निकाल के देखते डायरेक्ट, यदि वो निकल गया तो अच्छा, अच्छा पूरा का पूरा, अच्छा पूरा निकल गया तो अच्छा। फिर उसका सिलेक्शन हो जाता, डायरेक्ट बुलाते उसको और सर यदि वो रोटी जो है सर, फिर अपन खा सकते हैं उसको, सर, वो अपने साथ ही दे देते रोटी को। अपन खा लेते हैं उसको? हाँ अच्छी रहती हो, मेरे साथ भी दे दी, मैंने बैग में डाल दी, हाँ बोले जिसकी भी रोटी रही वो साथ में लेके, फिर उनको दिखाना पड़ता सर पहले, फिर वो हाँ बाद में दे देते अपने पास। ऐसा सर, हाँ और लास्ट में वो आरपीओ वाले क्या बोल रहे थे सर, कि हाँ तुम्हारी ऐसी एक ही बैच रही लास्ट वाली, हाँ नहीं तो जो भी बैच हुई थी ना अभी तक, तो हाँ जो लास्ट वाली बैच रही थी उसको मन से कुछ भी करने को बोलते हो साहब लोग। ऐसा सर, हाँ मन से, सिर्फ हमको ही नहीं बोला, हमको डायरेक्ट रोटी दे दी, पूरे पूरे 15 जन को। सर मतलब सर आपसे बात करके सर अजब अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि सर आपने मतलब अनुभव को इस तरीके से दिया है कि जिस तरीके से बच्चे उसको एक एक बात मतलब क्लियर कर सकें, जैसे कि दो नई चीज़ें बताएं, जैसा कि पहला आपने बताया उसके बारे में कि यदि फिंगर ना हो स्कैन तो उसके बारे में बताया, दूसरा आपने ये बताया सर, हाँ सर आपने एकदम अनुभव को बहुत अच्छे से शेयर किया है सर, कुछ और भी आप व्यू रखना चाहते हो आपके भाई लोगों का हो जाए सर, कुछ ऐसा बताइए सर, सर। सिर्फ मैं यही बोलना चाहूंगा जिनके भी पास 2-3 दिन है, वो घर पे सिर्फ रोटी फुलाने की कोशिश कर, सिर्फ रोटी? रोटी फुलानी फुला फुलनी होनी सिर्फ, जिसका नाशिक में होगा सर उसको, मेरे को बाहर का पता नहीं, लेकिन हाँ जिनका भी नाशिक में होगा हाँ वो सर, आरपी वाले भी बोल रहे थे, जिसकी रोटी फूलेगी बोले उसका सिलेक्शन पक्का होगा। उसके बाद तो सर मेरिट है सर। हाँ उसके बाद मेरिट लगते, वो भी बोले हाँ सर एक बात ये भी है, वो हाँ सर, 40 के 40 नंबर नहीं दे रहे पूरे, कितने नंबर दे रहे हैं मेरे सर? मेरे सामने खड़ा था वो आरपीओ वाला जो अनाउंस करता है कि नहीं, हाँ तो एक में भी मेरे को 40 नंबर नहीं दिखे, ज्यादा से ज्यादा 25 और एकदम हाईस्ट में 30 बस, लड़कियों को भी 30, सर, लड़कियां कितने कितना कितना सिलेक्ट हो रही थी लड़की सर? तो आज 3 थी सिर्फ, और तीनों का ही सिलेक्शन हो गया। 3 थी और तीनों का ही सिलेक्शन हो गया। हाँ चलो सर बहुत बहुत अच्छा है सर, आप कुछ अपने भाइयों से कहना चाहोगे इसको सर, अब हजारों लोग सुनने वाले हैं सर आपके भाई लोग। मैं वही बोलना है, या तो सर वहां पे जाके घबराना नहीं, और रोटी को सिर्फ फुलाना है और जलने नहीं देना बस, बहुत बहुत अच्छे से बहुत उसको फुलाने के 2 दिनों 3 दिनों अपन का मतलब अपने घर का 1-2 किलो आटा भी गया तो चलता, हाँ लेकिन सर, 2-3 दिन सिर्फ फुलाने की कोशिश करना रोटी को गैस ऐसा सर, के, वहां पे तो जाली मिलती हाँ सर,
और सर वो हड़बड़ाहट भी इतनी होती कि मतलब सामान अपने पास ही रखा होता, लेकिन लड़के एकदम डरते तो देखते सामान किधर गए। मेरे सामने के आदमी ने क्या किया, मेरा जो चिमटा रहता कि नहीं, हाँ सर, वो मेरा ही लेके गया वो। हाँ सर मेरे पास चिमटा ही नहीं था, मैंने हाथ से रोटी ऐसे मतलब उल्टी पलटी गई। हाँ तो एक बार जाते होगा सर, सर वो अपन को मतलब एक मिनट देते देखने के लिए सामान, हाँ इधर उधर देख लेना सामान है कि नहीं। हाँ। और हाँ इम्पोर्टेंट बात सर, मेरे सामने नाखून वाले दो आदमी को भेज दिया उन्होंने बाहर, अच्छा जिसके नाखून बड़े थे ना, हाँ उसको अंदर भी नहीं लिया। ऐसा सर? हाँ सर, जिसके भी नाखून बड़े हो गए उसको अंदर भी नहीं लिया था। अब ये सब चीजें सर हर बंदा शेयर नहीं कर पाता सर, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अजब, बहुत ही अच्छा रहा सर। हाँ सर, क्योंकि मेरे सामने दो बंदे को अंदर जैसे ही गया हो तो कैमरे के सामने खड़ा करने को बोलते हैं उल्टे। हाँ तो एक इंस्ट्रक्टर आता, उसने देखे, उसके हाँ नाखून बड़े हुए थे, हाँ मतलब एकदम बड़े हुए थे, और उसमें मलगिल था ऐसा खराब था एकदम, दो अच्छा, जन के। हाँ सर, तो उनको डायरेक्ट बाहर भेज दिया, अंदर भी नहीं लिया। सर बाल माल का कोई सिस्टम तो नहीं है सर? नहीं, बाल बाल का नहीं है, बालगिल का कुछ नहीं है, हाँ, सिर्फ नाखून का है सिर्फ। और सर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा जानकारी है सर कुछ? डॉक्यूमेंट में तो इतने कुछ नहीं, पर सर इम्पोर्टेंट है सेंट्रल का कास्ट। इम्पोर्टेंट सेंट्रल का कास्ट है ना सर? हाँ सर, वो 10 दिन का टाइम भी देते अपन को डॉक्यूमेंट लाने के लिए। 15 दिन का या 10 दिन का सर? 10 दिन का बोला था, एक जन मिला था मेरे को, हाँ वो बोल रहा था कि 10 दिन का टाइम दिया था, बोले मेरे को मैंने मतलब 3 दिन में दे दिया उनको डॉक्यूमेंट। अच्छा सर, वहीं पे जाके पहुंचाना पड़ता है, वहीं पे जाके दे आओ सर, वहीं पे जाके दे आए सर अपन, मतलब जैसे अपन को आज से समय। हाँ सर, वही पे वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग एक मंजिल मतलब रूम रहता, हाँ उसमें जाके वो इंस्ट्रक्टर बैठे रहते, हाँ फिर उनके पास दे देना होता है। ऐसा सर? हाँ सर बहुत डॉक्यूमेंट बहुत, की ऐसा कोई चिंता नहीं है सर, वो बाद में भी दे तो चलते, अपन को 10 दिन का टाइम देते मेरे हिसाब से, क्योंकि वो लड़का बोल रहा था, और देते सर वो, क्योंकि एक आरपीएफ भी बोल रहा था, हाँ मतलब वो हमारे गांव के पास का ही था, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, हाँ तो आरपीएफ वाला भी हमारे गांव का, बोले डॉक्यूमेंट का कुछ भी रहा तो अपन को 10 दिन का टाइम देते बोले। ऐसा सर? हाँ, तो 10 दिन में जाना पड़ता। अच्छा सर, तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो कीमती समय अपने भाइयों के लिए दिया सर, और कुछ आपको संदेश देना चाहो तो बोल सकते हो सर। सर मैं वही बोलूंगा कि घर में जो जब तक आपका ट्रेड टेस्ट नहीं है तब तक सिर्फ रोटी को फुला, हाँ नासिक नासिक वाले, बाकी के बाहर के पता नहीं सर मेरे को क्या बोल रहे हो वहाँ पे, पर 90% मतलब 90% लोगों को मतलब लड़कों को सिर्फ रोटी बनाना, 10% छोड़ के रोटी बनाना है, रोटी भी एकदम छोटी लेनी है, मतलब जो मीडियम रहती, और एक मतलब उसका सिलेक्शन हो ही जाता है, रोटी फूली पूरी तरह से चारों तरफ से, तो उसका सिलेक्शन पक्का। ऐसा सर? हाँ, 25 मार्क्स देते सर वो, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैंने देखा सर 40 एक को भी नहीं है, 40 किसी को भी नहीं दिया सर, किसी को भी नहीं दिया। मैं पीछे ही था, वो जो आरपीएफ नाम ले रहा था कि नहीं, उसके आगे मार्क्स लिखे हुए थे, जो फेल हो गया उसको 10-12 ऐसे थे, और जो पास हो गया उसको 25, ज्यादा से ज्यादा 30, 40 वाला भी नहीं, एक भी नहीं थे, 35 वाला भी नहीं थे। ऐसा सर? हाँ सर, आपके साथ से कोई बंदा पास हुआ सर, जिसे यदि बात हो जाए सर आज के लिए? सर साथ में तो कोई नहीं है, मेरे साथ में दो बंदे थे, हम दो ही यहाँ पे बैठे। सर दोनों का ही सर नहीं हुआ सर? हाँ नहीं हुआ सर कोई बात नहीं सर, अपन को कोई और अच्छा होगा, और अच्छा होगा अपने साथ, कोई हताश होने वाली बात नहीं सर। हाँ सर, एग्जाम में मेरे को अच्छे मार्क्स थे सर, 60 में से 50 थे मेरे को। ऐसा सर? हाँ सर, बहुत बहुत अच्छा सर, आपका सर ये समाधान। नहीं तो दूसरा कुछ ना कुछ चालू रहेगा सर, उससे क्या। हाँ सर, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है सर, ये तो आते जाते रहते हैं मूड अपने नहीं, वो जिंदगी। आंसर की आई थी ना सर, उससे मार्क्स निकाले थे। अच्छा सर, ये करवा देता ये सर मीन्स, या सर यदि आपको कोई मिले ना आज की डेट का, तो सर उसका सर संपर्क नंबर ले लेना सर, मुझे दिलवा देना सर। ठीक है कुछ। ओके सर, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। हाँ सर, थैंक यू। ओके सर, सर आपका 4 बजे सर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा सर।